पिछले साल यानी साल 2020 में दस्तक देने वाले जानलेवा कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में इसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अमेरिका, भारत और ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने इसको फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया और कई देशों ने अपने यहाँ दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया। हालांकि अब स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। आपको बता दें कि कई देशों ने अपने यहाँ टीकाकरण यानी वैक्सीन लगवाना शुरू कर दिया है। अब जब स्थिति सामान्य होने लगी तो एक शब्द का शोर सुनाई देने लगा है। वो शब्द है वैक्सीन पासपोर्ट। जानिए वैक्सीन पासपोर्ट क्या है और ये भविष्य में आपके लिए क्यों जरूरी है। वैक्सीन पासपोर्ट क्या है, आइए आपको बताते हैं। आसान भाषा में कहें तो अपने देश से कई दूसरे देश जाने के लिए अभी आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका समेत कुछ देश एक डिजिटल पासपोर्ट तैयार करेंगे जो नागरिकों को यह दिखाने के लिए बाध्य करेगा कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे में दूसरे देश में ट्रेवल करने के लिए आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट का होना जरूरी हो जाएगा। क्या आ सकती हैं दिक्कतें, आइए जानते हैं। लगातार डिजिटल हो रही इस दुनिया में सभी को अपना डेटा लीक होने का डर है। हाल ही में फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे कि इनके इस्तेमाल से यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी गोपनीयता को लेकर है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वैक्सीन पासपोर्ट एक दस्तावेज के रूप में आएगा या इसके लिए कोई ऐप बनेगी। बताया जा रहा है कि ट्रैवल के अलावा कॉन्सर्ट वेन्यू, मूवी थिएटर, दफ्तर आदि में भी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा इसे। वैक्सीन पासपोर्ट पर WHO का क्या कहना है, यह भी देख लेते हैं। WHO का आखिर इस पर रुख क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा है कि ये एक तरह का डिजिटल हेल्थ पास कहा जा सकता है। कई कंपनियों ने इसके लिए स्मार्टफोन ऐप और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कॉमट्रस्ट नेटवर्क और IBM जैसी कई कंपनियों ने इस दिशा में पहले ही काफी काम पूरा कर लिया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।